तो भाई कैसे हो सब। और आज मेरे पास एक छोटा सा अपडेट है मैन ऑफ स्टील 2 को लेकर। तो वो अपडेट क्या है और उसके होने के कितने परसेंट चांसेस हैं, आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपडेट ये है कि ड्वेन जॉनसन ऑल्सो नोन एज द रॉक मैन ऑफ स्टील 2 को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अब देखो ड्वेन जॉनसन बहुत अच्छे दोस्त हैं हेनरी कैविल के और इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं कि मैन ऑफ स्टील 2 बने। ना सिर्फ ये बल्कि ड्वेन जॉनसन ये भी ट्राई कर रहे हैं कि एक ऐसी मूवी बनाई जाए जिसमें ज़ाकुरी लीवाई का शज़ैम टीम अप करे हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ ब्लैक एडम से फाइट के लिए। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो रॉक स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करने में भी इंटरेस्टेड है। अब अगर हम बात करें इन रूमर्स की सच्चाई की तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैन ऑफ स्टील 2 पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है AT&T का। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ड्वेन जॉनसन को अपने DC रोल से रिलेटेड पूरा क्रिएटिव कंट्रोल हासिल है और इसके साथ साथ उनको पूरी सपोर्ट है AT&T की तरफ से। यहाँ पे मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि ड्वेन जॉनसन कोई आम एक्टर नहीं है। वो उन लोगों में से नहीं है जिनको स्टूडियो कुछ भी बोलेगा और वो चुप करके मान लेंगे। ड्वेन जॉनसन एक ऐसा इंसान है जो स्टूडियो के सामने अपनी डिमांड्स बहुत खुल के रखता है और स्टूडियो को उसकी डिमांड्स माननी पड़ती हैं। सो मेरा तो ख्याल ये है कि मैन ऑफ स्टील 2 फैंस और हेनरी कैविल दोनों के लिए एक बहुत डिजर्व मूवी है। और अगर हम बात करें एक पॉसिबल सुपरमैन एंड शज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम मूवी की तो ये मूवी बहुत पोटेंशियल रखती है। इसकी स्टार कास्ट ही बहुत है किसी भी इंसान को इस मूवी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब अगर एक मूवी में हमें हेनरी कैविल, ज़ाकुरी लीवाई और ड्वेन जॉनसन देखने को मिले तो मैं तो उस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। प्लस इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ एक अच्छी तगड़ी स्टोरी ऐड कर दी जाए तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है। और अगर मैं बात करूं स्नाइडरवर्स की तो स्नाइडरवर्स का फ्यूचर अभी भी ट्रिकी लग रहा है और इसके बारे में मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करूंगा। तब तक के लिए आप बताओ कि क्या आप सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम मूवी देखना चाहते हो। बाकी कल मेरी एक वीडियो आएगी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड 5 पे, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल पता लगी उस एपिसोड से रिलेटेड, तो कल वो वाली वीडियो आ जाएगी। बाकी अगर ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो यार लाइक और शेयर कर देना। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।